वो जो इकबाल ने कहा ना कि ले गए तसलीस के फर्जंद मीरा से खलील किश्त बुनियादे कलीसा बन गई खाके हिजाज तसलीस के फर्जंद मीरा से खलील ले गए थे मुकद्दस उनके क्रूसेडर्स के कब्जे में आ गया था दस सौ निन्यानवे में रहा था ग्यारह सो सतासी तक नाइनटीन एटी, एटी एट ईयर्स ले गए तसलीस के फर्जंद मीरा से खलील तो मीरा से मूसवी जो थी वो मुंतकिल हो गई मोहम्मद रसूल रात की उम्मत को उनका किबला कैंसल ये कबला आ गया तो सबसे ज्यादा दुख तो उन्हें था अब जो वहां से काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आई है वो अब्दुल्ला अब ने सभा यू बाद लोग आज ये भी कह देते हैं कि ये तो एक ऐसी ही अफसानवी शख्सियत है कोई इसका वजूद ही नहीं था बड़ी ज्यादती करते हैं खासतौर पर हमारे बाज अहल तशै ये कहते हैं हालांकि उनकी किताबों के अंदर दर्ज है कि हजरत अली ने अब्दुल्ला अब्दुल्लाबन सबा उसके चालीस साथियों को आग में जिंदा जलवाया निजाल कशी के अंदर देख लीजिए लिखा हुआ मौजूद लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने शेयत के लिए लफ्ज सभा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इसलिए वो डिफेंस में कहते नहीं नहीं सभा तो ये तो अफसानवी शख्सियत है सभा कोई था ही नहीं अब्दुल्ला नहीं अब्दुल्ल अबन सभा एक शख्स था यहूदी वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर आ गया इस्लाम में हजरत उस्मान रजी अल्लाह तुम और एक बघालता मैं चाहता हूं कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस दफा कर दूं आम तौर पर इतनी गलत तरीके से तारीख बयान हुई है कि हजरत ऊस्मान के ऐद खिलाफत को समझते हैं पूरा का पूरा ऐद खिलाफत फित्रों ही के अंदर था और इख्लाफात ही थे और खाना जंग माजल्ला ऐसा नहीं था तवील तरीन दौर जो है दौर खिलाफत हजरत ऊस्मान का है बारह साल हजरत अबूबकर के सवा दो ढाई साल हजरत उबर के दस साल दोनों को जमा करेंगे तो उस्मान का और उसमें दस साल बिल्कुल उसी शान के हैं जो हजरत उम्र के खिलाफत के शान हैं कोई खिलाफ नहीं और फतूहहात का दायरा बढ़ता चला जा रहा है थमता न था किस चीज से सहल रवान हमारा उसके आखिरी अयाम अच्छा में यह शख्स आया और इसने एक तो यह किया कि पुरानी जो कबायली असबियत थी उसको जिंदा किया खिलाफत तो बनु हाशिम का हक है मोहम्मद हाशमी थे सल्ला हाउ कम ये एक बनू मैया का शख्स कैसे बैठा है देखिए उस शख्स ने कितना इंतजार किया हजरत अबू बकर बनू मैया में से नहीं थे लिहाजा ये फितना उसके खिलाफ नहीं हो सकता था क्योंकि चश्मक जो थी वो बनू मैया और बनू हाशिम की थी बड़ी पुरानी थी ये बड़े बराबर के ये दो क्लैंस जो थे मध्य मुकाबले थे एक दूसरे के बाकी छोटे कबीले थे बनू तीम है बनू अदी है लेकिन मुकाबला था बनू मैया और बनू हाशिम का हजरत अबू बकर बनू तीम में से हजरत उमर बनू अली में से बनु मैया में से हजरत उस्मान अब इसको मौका मिला अब आया ये ओमूवी ये, ये बन गया ये सब गासिब है अबू बकर भी उमर भी उस्मान भी खिलाफत पहले दिन से अली की है और उसको मिलनी चाहिए इससे आगे बढ़कर और अली तो खुदा है इनकारनेट गॉड इनकारनेट यह उसका अकीदा जिसने फैलाया समझिए एक शख्स ने हजरत ईसा के दिन को जीरो कर दिया था लोग मानते नहीं कि एक शख्स इतना कुछ कर सकता है यहूदी और साजिशी जहन उनकी सलाहियत और जहानत एक शख्स था पॉल हजरत ईसा को खुदा का बेटा बनाने वाला वो तोहिद खत्म तसलीस आ गई शरीयत को खत्म करने वाला वो हजरत ईसा कहकर गए थे तुम पर शरीयत मूसवी नाफिज रहेगी उसने कहा नहीं एब्रोगेटेड नो शरिया, नंबर तीन हजरत ईसा ने कहा था तुम्हें तबलीग करनी है सिर्फ यहूदियों तक I have been sent only in search of the lost sheep of the house of Israel. मैं सिर्फ इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूं तो मैं बाहर तबलीग नहीं करनी इसने तबलीग का दायरा वसी किया वो दीने मसीहियत खत्म वो दीने पॉलिज्म है जो चला है उसके बाद समझ रहे इस बात को और ये डॉक्टर माइकल हार्ट ने बिल्कुल सही सही लिखा है कि क्रिश्चियनिटी जब तक हजरत असी बसी मौजूद थे वो सिवाय एक यहूदियों के फिरके के उसकी कोई और हैसियत नहीं थी लेकिन पॉल ने उसे एक इंडिपेंडेंट दीन बनाया एक शख्स की कार्रवाई है ये सारी और आज पूरी दुनिया पूरी साई दुनिया उसी पर है तश्लीस पर भी और शरीयत खत्म और दावत जो है करते फिर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह इसने किया कबायली असबियत को छेड़ा और हजरत अली का मुबालगा किया यह खुदा है अवतार गॉड इन कार्नेट तीसरा काम क्या किया कि हजरत रस्मान रजी अल्लाह और उनके जो आमिलीन थे गवर्नर कूफे का है गवर्नर शाम में दमिश्क में है गवर्नर मिस्र में है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया ये बैतुलमाल में ख्याल कर रहे हैं ये गबन कर रहे हैं ये अपने अजीजों को जो है पाल रहे हैं उनको दे रहे हैं वो अकरबा परवरी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो टेक्निक कैसी अजीबे में कूफे के गवर्नर के खिलाफ बात नहीं करेंगे दमिश्क और मिस्र के गवर्नर के खिलाफ बात करेंगे अब कहां दुनिया के पास जराए थे कि कोई वेरीफाई करे भाई ये बात सही है कि नहीं है गलत है ना कोई जराए रसलो रसायल है और अगर आप कुफे में खड़े होकर उस्मान के उस्मान, में उस्मान ने यह कर दिया उस्मान ने ये कर दिया उस्मान ने यह कर दिया अब कौन उसको जो है उसकी तहकीक कर सकेगा दमिश में गए हैं तो दमिश के गवर्नर के खिलाफ कुछ नहीं उस्मान के खिलाफ और कुं के गवर्नर के खिलाफ और मिस्र के गवर्नर के खिलाफ मिस्र में गए हैं तो उसके खिलाफ कुछ नहीं दमिश और कुफे के गवर्नर के खिलाफ और उस्मान के खिलाफ और फिर हर तरफ से बलवाइयों को लाकर घेराव कर लिया हजरत उस्मान के घर का ये तहरीक है जो बहुत जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुई है यहूदी साजिश अब तमाम साहबा कह रहे हैं हजरत उस्मान से कि आप हमें मौका दें कि हम इनका सर कुचल दें आप फरमाते नहीं ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं ना मैं वजाहत करता हूं अपने घर की छत के ऊपर खड़े होकर आपने कहा देखो ये मैंने नहीं किया ये मैंने नहीं किया मेरे ये एहसानात भूल गए हो हजरत अली ने मस्जिद नबी में खड़े होकर जितने इल्जाम लगाए थे उन सब की तरफ से बरात का मामला किया कि झूठ कह रहे हो तुम उस्मान पर कोई गलती जो है कोई ख्यानत साबित नहीं लेकिन जंग की इजाजत हजरत उस्मान नहीं दे रहे ये मेरे खून के प्यासे हैं ना जब तक कत्ल नहीं कर लेते जुर्म कहां है जब कत्ल कर लेंगे तुम के साथ दे ले लेना लेकिन मैं किसी कलमा गो की जान नहीं लेना चाहता सिर्फ अपनी जान के तहफुज में यह है अजीमत का पहाड़ लोग कहते हैं कमजोर थे जान बचाने के लिए तो आदमी पता नहीं क्या कुछ कर बैठता और ताकत हो तो ताकत को कैसे इस्तेमाल करेगा जरत अमीर मुआविया की तरफ से पैगाम पर पैगाम आ रहे हैं कि आप हमें इजाजत दें मैं फौजें भेजूं और इनका कला कमा कर दिया जाए हजरत अमर मिलास का पैगाम आ रहा है आप हमें इजाजत दें तलहा जुबैर अली इजाजत मांग रहे हैं मदीने के अंदर आप इजाज़त दें कि हम जंग करें इनसे नहीं। आखिरकार हजरत अली ने दोनों बेटों को हजरत हसन हजरत हसन हजरत हुसैन दरवाजे पर खड़ा कर दिया पहरेदार हजरत उस्मान के जरत हसन हजरत हुसैन के कोई घर में दाखिल ना होने पाए पिछवाड़े से आए हैं और शहीद किया है मेरे नजदीक तारीख की मजलूम तरीन शहादत बमानी मकतूल फी सबी वह हजरत उस्मान है बल्कि मैं जुरत कर रहा हूं जरा आपको मालूम अल्लामा इकबाल से मुझे कितना ताल्लुक कलबी है मैंने उनके एक शेर में तरमीम की है मैं समझता हूं उन्होंने सही नहीं कहा गरीब और सादा औरंगी और है दास्तान हरम निहायत उसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल हजरत इस्माइल को अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम जिबा कर रहे थे ना और हजरत हुसैन जिबा कर दिए गए तो गोया के इब्तदा जिस कि हुई थी हजरत इस्माइल से उसकी इंतहा हुसैन पर हुई मैं कहता हूं बिल्कुल गलत उनको जिबा कर रहा था खलीलुल्लाह और इनको कत्ल कर रहे यजीदी और जियादी और कूफी कोई तकाबुल है वो कत्ल नहीं हुए ये कत्ल हो गए उन्होंने पेशानी खुद रख दी यहाँ तो हजरत उस्मान लड़ते हुए हजरत हुसैन लड़ते हुए शहीद हुए कौन सी चीज मुश्तरक है एक मिसरे में जमा कर दिया है सनत लफ्जी तो आप कहते हैं उसको लेकिन क्या मुश्तरक क्या चीज है और मैंने उम्मीद है इकबाल से मुलाकात होगी अगर आखिरत में तो वो मेरी इस बात को तस्लीम करेंगे मैंने इस शेर का दूसरा जो मिसरा है बदला है नहायत उसकी है उस्मान इब्तः हाबील हाबील जिन्होंने कहा था भाईजान आप मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएंगे तो मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा आपको कत्ल करने के लिए उस्मान ने कहा कि मैं नहीं किसी को कत्ल करूंगा किसी कलमा को आ जो मुझे कत्ल कर देंगे फिर उनसे सांस ले लें उस्मान के पास लाखों की फौजें स्टैंडिंग आर्मी फिर भी उन्होंने अपनी जान दे दी हजरत हुसैन बहरहाल जितने भी अफरा थे बहादुरी से शुजात से लड़ते हुए शहीद हुए इसमें कोई शक नहीं लेकिन लड़ते हुए शहीद हुए ना हाबील की तरह यह तो नहीं कहा कि तुम मुझे करते हो तो कर दो मैं तो तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा नहीं बहरहाल ये जो था फितना इसको कहा है और इसको किताब में लिखा गया बायदा एक तस्लीफ अलफितबरा अजीब तरीन फितना हजरत उस्मान की शहादत उस वक्त अब्दुल्ला सलाम रसी अल्लाह यहूदी आलिम दीन थे जो इस्लाम ले आए थे उन्होंने कहा था लोगो डरो उस्मान के खून का न बहाना मैं जानता हूं तारीख बनी इसराइल की अगर कभी कोई नबी जो है अगर शहीद किया गया तो सत्तर हजार आदमी उसके बाद मारे गए अल्लाह की तरफ से और नबी का अगर कोई खलीफा कत्ल किया गया तो पैंतीस हजार आदमी मारा गया है। तो अगर तुमने उस्मान को कत्ल कर दिया तो ये खून के दरिया जो है फिर आ जाएंगे उम्मत के अंदर बाज आ जाओ खुदा के लिए बाज आ जाओ लेकिन नहीं बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह तुमने बुलाया अब्दुल्लाबन को अपने हा तुम कहते हो कि मैं खुदा हूं हां आप खुदा हैं तोबा करते हो कि नहीं नहीं मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा जला दो दू। तुम खुदा हो हमारी आजमाइश कर रहे हो हजरत अली ने अब्दुल्ला इब्ने सबा को चालीस साथियों समेत जिंदा जलवाया और यह सारा कुछ मामला जो है ये मैंने आपको बताया अहले तशयो की किताबों में मौजूद है बहराल ये कुबरा है जिसका नतीजा क्या निकला है आप अच्छी तरह समझिए वो शहादत अल्लास का जो सैलाब जा रहा था जिसकी शान क्या थी अल्लामा इकबाल के अल्फाज में थमता न था किसी से सैले रवा हमारा ये ये जो सैल था कोई रोकने वाला था दो सुपर पावर्स थी उस वक्त ईरान रूम ईरान के चीठ खत्म उड़ गए रूम की दो टांगे टूट गई अब कौन रोकने वाला था ये इंटरनल सेबोटराज है उसके बाद जो बाहमी खाना जंगी शुरू हुई है एक लाख मुसलमान एक दूसरे की तलवारों और नेजों से खत्म हो गए